हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एक नई स्टोरी मतलब नया चैप्टर लेके आया हूँ। ये बेस है माय जॉयफुल बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इंटीग्रेटेड विद एनवायरमेंट एजुकेशन। ये जो बुक आपको एनवायरमेंट एजुकेशन देगी और आप लोगों को नया नॉलेज देगी। और मैं जानता हूँ हम लोगों के स्कूल्स भी ओपन हो गए होंगे, कल से मे भी शायद चालू होंगे आप लोगों के स्कूल्स। तो ये चैप्टर्स मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशंस, जो हमारे रिश्ते हैं उनको हमें समझना है क्या कैसे होते हैं। हेलो, आई एम भावना, आई एम स्टैंडिंग क्लास 5। हेलो, मैं भावना हूँ और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। अंशुल इज़ माई ब्रदर, अंशुल मेरा भाई है। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली, ये हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मीन्स हो गया बच्चे और जिनके मदर फादर उनके साथ रह रहे हो। ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, इस गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वी विजिटेड आवर होम टाउन राजकोट, हमने विजिट किया हमारा जो होम टाउन है जहाँ पे हम रहते थे राजकोट में इन गुजरात, जो गुजरात के अंदर है। माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, मेरे जो दादा दादी वहाँ रहते हैं। माय अंकल्स फैमिली आल्सो लिव विद देम, मेरे जो चाचा चाची की परिवार है वो भी उनके साथ ही रहते हैं। माय अंकल हैज़ 2 चिल्ड्रंस, मेरे अंकल के 2 बच्चे हैं, कनिष्क एंड गौरी। दे आर माय कजन्स, वे मेरे भाई हैं, भाई बहन हैं। दे आर फैमिली इज़ ए बिग जॉइंट फैमिली, ये हमारी एक बिग बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। इसमें उनके दादा दादी भी आ गए बच्चों के, चाचा चाची भी आ गए, मम्मी पापा आ गए, तो इट्स मीन बिग जॉइंट फैमिली। दे आर लिव इन ए बिग हाउस, एक बहुत बड़े हाउस पे रहते हैं। देखिए जैसे फोटो में दिखा रखा है, ये मदर फादर और ये 2 बच्चे हैं, तो ये न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है, जो सिर्फ ओनली मदर फादर और उनके बच्चे होते हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए आप, इसमें बच्चे हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके अंकल आंटी हैं, तो और उनके मम्मी पापा भी साथ रहते हैं, तो इट्स ए बिग न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली कहलाती है। We had a very nice time in Rajkot. हमारा काफ़ी अच्छा समय राजकोट में बीता है। We enjoyed them company और cousins, हम काफ़ी enjoy किया हमने अपने भाई बहनों के साथ। We had a wonderful time living and playing together, हमने काफ़ी समय बिताया उनके साथ रह के खेल के। We meet many of our relatives whom we had never seen before, हम वहाँ पे ऐसे कई रिश्तेदारों से मिले जिससे हम पहले कभी नहीं मिले थे। दे वर वेरी ईगर टू नो अबाउट आवर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन ए प्लेस अवे फ्रॉम आवर होम टाउन, दे वर वेरी ईगर, वे काफ़ी खुश थे टू नो अबाउट आवर एक्सपीरियंस, जान हमारे एक्सपीरियंस को जानकर, ऑफ लिविंग इन ए प्लेस अवे फ्रॉम होम टाउन, होम टाउन में रह के। वी लर्न मैनी थिंग्स, हमने काफ़ी चीज़ सीखी फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनी वेयर एल्स, हमने अपने परिवार के साथ देखे काफ़ी चीज़ सीखी मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनी वेयर, अगर हम कहीं और से सीखते उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर अपने परिवार के साथ सीखा। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसे हुआ क्योंकि वी आर क्लोज टू आवर फैमिली, हम अपने परिवार के बिल्कुल नज़दीक हैं। आवर फैमिली इज़ राइटली कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल, हमारी परिवार सच में कहें तो एक पहला स्कूल की तरह है। प्रिया इज़ माय फ्रेंड, प्रिया एक मेरी दोस्त है। राहुल इज़ हर ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। शी लिव्स इन ए हाउस विद हर मदर, जो कि रहते हैं अपने घर में अपने माता पिता भाई और दादा दादी, अपने चाचा चाची एंड कजन और भाई बहनों के साथ। हर फैमिली इज़ ऑल्सो ए बिग जॉइंट फैमिली, उनकी परिवार भी एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। जैसे ये देखिए फ़ोटो में दिखा रखा है, देखिए दादा दादी बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और चाचा चाची बैठे हुए हैं, ये मम्मी पापा बैठे हुए हैं, इट्स मीन आर ए बिग जॉइंट फैमिली। इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स हेल्प वन अदर विद द हाउस होल्ड वर्क, जो जॉइंट फैमिली होती है उसके जो मेम्बर होते हैं वे एक दूसरे की घर के काम करने में मदद करते हैं। सो इसलिए वी सी डेट इन ए न्यू क्लियर फैमिली, वी सी डिट इन ए न्यूक्लियर फैमिली, हम सो इसलिए हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली देर इज़ ओनली ए मदर, जिसमें एक मम्मी रहती है एंड फादर पापा रहते हैं एंड देयर चाइल्ड और चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे लड़का या लड़की बच्चे जो भी हैं वो रहते हैं।
इन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली के अंदर देर इज अ मदर जिसके अंदर मम्मी भी रहती है, फादर रहते हैं, लिविंग विद देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, फादर्स पेरेंट्स जो मम्मी पापा के पेरेंट्स इट्स मीन दादा दादी एंड इवन और साथ में फादर्स ब्रदर हिज फैमिली जो फादर उनके भाइयों की भी परिवार साथ रहता है। नाउ डेज इन दिनों वी सी मोर न्यूक्लियर फैमिलीज, में हम लोगों ने काफ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज देखी है देन जॉइंट फैमिली, जो बाद न्यू फैमिली देखी पहले जो जॉइंट फैमिलीज थी। द मेन रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज आर, जो जो रीजन्स होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली बनने के वो हम देखते हैं। माइग्रेशन, फैमिलीज आर माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर लाइवहुड एंड हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं फ्रॉम गांव में, गांव से सिटी में आ जाते हैं इन सर्च क्या ढूंढने के लिए, बेटर लाइफ अपनी जीवन शैली अच्छी ढूंढने के लिए, हायर अच्छी एजुकेशन अच्छी पढ़ाई ढूंढने के लिए अपने बच्चों के लिए, जो गांव से शहर आ जाते हैं तो वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्पेस इन सिटीज़ दे आर मोस्टली स्मॉल हाउस, शहरों में ज़्यादातर छोटे हाउस होते हैं विथ फ्यू रूम जिसमें बहुत कम रूम्स होते हैं, सो इनटू न्यूक्लियर सो ओनली ए फ्यू फैमिलीज, इसलिए कुछ परिवार ही मेंबर्स कैन स्टे टुगेदर, कुछ परिवार ही हैं जो साथ रह सकते हैं, देयरफॉर जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली, घर छोटे होने के कारण जो जॉइंट फैमिलीज है उनको छोटे परिवारों में डिवाइड होना पड़ता है। द स्पेस इज सो स्मॉल, जगह बहुत कम होती है, डैड व्हेन ए सन गेट्स मैरिड जब बच्चों की शादी हो जाती है ही हैज टू लीव द हाउस विद हिज न्यूली वेड वाइफ, तो उसे अपना पत्नी के साथ घर को छोड़ना पड़ता है। थर्ड रीज़न है अदर रीज़न, डिफरेंसेस इज हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जो घर के परिवार के सदस्यों की आदतें और जो स्वभाव है उसमें अलग अलग डिफरेंस होना, समानता ना होना, किसी का कैसा नेचर किसी का कैसा नेचर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अर्निंग मेंबर्स, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक समस्या होना, जैसे घर के सदस्यों की कोई कम कमा रहा है कोई ज़्यादा कमा रहा है, कैपेसिटी टू स्पेंड एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन फेस्टिवल, कैपेसिटी टू स्पेंड मतलब खर्च करने की क्षमता एंड कंटिन्यूस चेंजेस और हमेशा बदलाव होना इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन, त्योहारों के सेलिब्रेट करने के तरीके में बार बार बदलाव होना, हैव लीड टू द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, यही जो कारण होते हैं जो डिवाइड कर देते हैं जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिलीज में। विथ द पासिंग टाइम समय निकलते के साथ देयर हैज बीन मेनी चेंजेस, काफ़ी चेंजेस हो गए इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन वेडिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों को बनाने में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। फर्स्ट दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो दिवाली दीपों का त्यौहार है, वाज सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनली विथ दियाज एंड स्वीट्स, जो कि परंपरागत मनाया जाता है किसके साथ, दियों और मिठाइयों के साथ। नाउडेज आज के दिनों में पीपल ब्रश लॉट्स ऑफ हार्मफुल क्रैकर्स, कई लोग काफ़ी मात्रा में खतरनाक पटाखे चलाते हैं विच कॉज नॉइज, जो कि ध्वनि का कारण बनते हैं, एंड एयर पोल्यूशन जो हवा को दूषित करते हैं, एंड इंजरीज ड्यू टू फायर, और काफ़ी लोगों को चोट भी लग जाती है इससे आग से। नेक्स्ट फेस्टिवल है होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल होली किस चीज़ का फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ त्यौहार कलरों का, रंगों का त्यौहार है, वाज सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग द ईवल होलिका, जो कि मनाया जाता है होलिका के जो ईवल मतलब राक्षसी थी होलिका उसके जलने के लिए। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल वाज सेलिब्रेटेड बाय प्लेइंग विद ड्राई कलर्स, अच्छाई की बुराई पे जीत को सेलिब्रेट किया जाता है सूखे कलर रंगों से खेलकर। नाउ डेज आज के दिनों में पीपल्स प्ले विथ कलर्स, लोग बाग कलर से खेलते हैं मेड फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, जो कि किससे बने होते हैं, हार्मफुल केमिकल से,
एंड थ्रो वाटर बैलून, जो एक दूसरे पे पानी के बैलून्स फेंकते हैं, विच कैन बी डेंजरस टू दोज दे हिट, और जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, जो किसी के लग सकते हैं, किसी के चोट भी लग सकती है। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेशन, इनको छोड़कर, ऑफ सेलिब्रेशन द फेस्टिवल ट्रेडिशनल वे, इन चीज़ों को छोड़कर त्योहारों को ट्रेडिशनल तरीके से ही मनाना चाहिए। न्यू डेज, नए दिनों में ऑफ सेलिब्रेशन फेस्टिवल आर ब्रिंगिंग नेगेटिव चेंजेस, न्यू वेज आने वाले दिनों में जो हम त्यौहार बनाने के तरीकों में काफ़ी नकारात्मक चेंजेस देख रहे हैं पाएंगे। चलिए अब इसके जो आगे का चैप्टर से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस चैप्टर अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय, गुड बाय।